कल हमें स्थानीय सूचना के अनुसार श्यामनगर में जागृति पैलेस के बगल में एक अवैध धर्मांतरण का अड्डा चल रहा था और चलाने वाले स्थानीय लोग नहीं थे, सारे बाहर के लोग थे, वो भी पेड थे जिनको सैलरियां मिलती हैं, जो भी पैसा जो उनको एनजीओ के माध्यम से आता है बाहर विदेश दूसरे कंट्रीज से, तो वहाँ पे 15-20 बच्चे तो थे जिन्हें ये भी होश नहीं है कि हमारा नाम क्या हो, मैं किस धर्म का हूँ। उनको माइंड वॉश किया जा रहा था, माइंड वॉश के अनुसार उनको धर्म पढ़ने सिखाया जा रहा कि हाँ देखो ये हिंदू धर्म में, वहाँ उनको बताया कि हिंदू धर्म के देवी देवता प्रेत हैं, भूत हैं। और आज भी ये जो क्षेत्र है चकेरी थाना महाराजपुर थाना, ये अवैध धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। ये हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको बरगला के पैसे के माध्यम से प्रलोभन दे के लालच दे के उनको बरगलाया जा रहा है। सर, मौके से भारी मात्रा में सामग्री भी मिली है। हाँ, कल हमको बहुत से ऐसे पत्रक मिले हैं, किताबें मिली हैं जो हिंदू समाज के विरोध में थी। हमें कंप्यूटर भी मिले हैं, हमें सीपीयू भी मिले हैं, हमें डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं कि वो साबित करते हैं कि यहाँ पे चकेरी थाने के अंतर्गत अवैध धर्मांतरण के अड्डे चल रहे हैं और प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं इन पे उचित कार्यवाही करे, नहीं तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोडों पर संघर्ष करेगा। ये एक बड़ा मामला है और एक किराए पर फ्लैट लेकर के एक व्यक्ति जो अपने आप को वैसे तो उत्तराखंड के चमोली का मूल निवासी बता रहा है, बट येट टू बी असर्टेन बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स और जिस तरह के डिटेल्स यहाँ मिले हैं, कुछ ताइवान के लैंग्वेज में भी यहाँ पे हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि और डिटेल यहाँ पे एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। इस फ्लैट में ये लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य ये लोग प्रलोभन के आधार पर और बेहतर जीवन शैली देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर और इस तरह के कार्यकलाप जो है इनके जीवन में नई एक बेहतर शुरुआत के नाम पे ये करवा रहे थे। कितनी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह का सामान है? अभी देखिए, जो हमारे पास इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, सामान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है, एक तो ये है कि चार हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अभी धर्म ज्वाइन नहीं किया था एंड दे वर अंडर प्रोसेस, स्टिल दे आर हिंदू बट दे आर अंडर प्रोसेस। दूसरी चीज़ कि दो ऐसे लोग हमारे पास हैं अभी जो जिनमें से एक तो कानपुर के ही निवासी हैं और थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन अपने आप को बता रहे हैं, दूसरे बाहर के रहने वाले हैं जो यहाँ पे फ्लैट लेकर के इन सारी एक्टिविटीज को प्रोपेगेट कर रहे थे। इनका एक्सपेंडिचर हमें समझ में आ रहा है कि लगभग इनका एक्सपेंडिचर जो है वो महीने में 2 लाख रुपए से ऊपर का है और इनकी यहाँ पे ऐसी कोई लोकल अर्निंग नहीं है। प्रथम दृष्टया यह देख कर लग रहा है कि यह एक संगठित कार्य है जो किसी एनजीओ के थ्रू प्रोपेगेट किया जा रहा है और बाकी इसके सभी डिटेल हम इनको रिमांड में ले करके अनर्थ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि बाकी तथ्य भी सामने आए। एक आखिरी सवाल है कि अभी तक प्रथम दृष्टया जांच में क्या सामने आया, कितने लोगों का गिरोह है ये? प्रथम दृष्टया हम 2 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो कि एक बाहर के हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट लिया था और जिन्होंने फ्लैट के अंदर अपना कार्यालय या प्रचार तंत्र या प्रचार की व्यवस्था जो शुरू की थी। दूसरा, जो अपने आप को थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन कह रहे हैं, जो लोकल हैं और जो इनके साथ इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, इनके सारे सीजर बैंक खाते, इनके जो एक्सपेंडिचर डिटेल है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी इनके पास टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें हमने अपने पोजीशन में ले ली है और हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं।